तो ये है उर्मिला मातोंडकर का कश्मीरी कनेक्शन। एक्टर बनने के लिए छोड़ दिया था कारोबार। बॉलीवुड स्टार उर्मिला मातोंडकर का आज 45वां जन्मदिन है। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी उर्मिला ने बतौर एक्ट्रेस नरसिम्हा से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान रंगीला फिल्म से मिली थी, जो राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्टर की थी। इस फिल्म के बाद क्षमा क्षमा गर्ल और राम गोपाल के बीच अफेयर की खूब खबरें उड़ी। उर्मिला को लेकर राम गोपाल वर्मा की दीवानगी इतनी थी कि उन्होंने मुंबई के अंधेरी में अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही उर्मिला मातोंडकर रख दिया था। एक समय तो ऐसा आया कि राम गोपाल वर्मा उर्मिला के अलावा किसी और अभिनेत्री को साइन ही नहीं करते थे। उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ कुल 13 फिल्मों में काम किया। इनमें रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्में थी। यही नहीं, राम गोपाल ने उर्मिला को तेलुगु फिल्मों में भी कास्ट किया। उर्मिला ने अंथम, ड्रोई, गायम, अंगनगा उनका राजू जैसी फिल्मों में काम किया। वैसे सिर्फ राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करने की वजह से उर्मिला के करियर को भी नुकसान पहुंचा। बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पट्टी पट्टी नहीं थी। इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया। 9 छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन से की शादी। उर्मिला मातोंडकर ने 42 साल की उम्र में एक कश्मीरी बिजनेसमैन से शादी की। उर्मिला ने 3 मार्च 2016 को खुद से 9 छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से निकाल रचाया। मोहसिन जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म लक बाय चांस में काम कर चुके हैं। इसमें वे फरहान अख्तर के साथ मॉडलिंग करते दिखाई दिए थे। मोहसिन कश्मीर की बिजनेस फैमिली से हैं, लेकिन वो बॉलीवुड फिल्मों और मॉडल भी काम कर चुके हैं।